प्रकाश, क्या कभी सोचा है प्रकाश क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? ये और आने वाली कुछ वीडियोस के माध्यम से हम ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हम संसार में उपलब्ध अनेक वस्तुएं देखते हैं और एक अंधेरे कमरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, इसका जवाब है प्रकाश। दिन के समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को वस्तुएं परावर्तित करती हैं, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब ये परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तब हम ये वस्तुएं देख पाते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, चांद का रात में चमकना, बारिश के बाद इंद्रधनुष का दिखना, ये सब प्रकाश के कारण ही मुमकिन है। यदि प्रकाश ना हो तो हम इनमें से किसी भी प्रक्रिया को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि हमने 7वीं और 8वीं कक्षा में भी प्रकाश के बारे में पढ़ा है कि किस तरह प्रकाश की किरणें चलती हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और परावर्तन के नियम। नंबर 1, आपतन कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। नंबर 2, आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। साथ ही हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं से भी परिचित हैं। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। नंबर 2, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर होता है। नंबर 3, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी हो। नंबर 4, और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित या लिटरली इन्वर्टेड होता है। यदि समतल दर्पण की जगह गोलीय दर्पण लिया जाए तो क्या प्रतिबिंब की विशेषताओं में कुछ बदलाव आएगा? आइए इस क्रियाकलाप के जरिए गोलीय दर्पण को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम राहुल है और आज मैं इस चमकदार बड़े चम्मच की मदद से अपने प्रतिबिंब को समझूंगा। अरे, मैं जैसे जैसे चम्मच को दूर लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज छोटा होता जा रहा है। और ये क्या, मेरा प्रतिबिंब इस चम्मच में उल्टा क्यों नजर आ रहा है? यदि मैं चम्मच को पलट कर देखूं तो क्या होगा? यहाँ भी प्रतिबिंब का साइज छोटा होता जा रहा है, परंतु है सीधा, पहले केस की तरह उल्टा नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि राहुल के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा? यदि हम देखें तो चम्मच का आकार गोल है, समतल नहीं। इस चम्मच की तरह जिन दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। प्रतिबिंब का छोटा और उल्टा दिखना गोलीय दर्पण की विशेषताओं में से दो विशेषताएं हैं। ये गोलीय दर्पण कहां से आते हैं? एक बड़ा गोला क्षेत्र को लीजिए और उसे इस तरह से काट दीजिए कि हमें गोलीय चाप जैसा आकार मिले। इस आकार को दो तरह से पॉलिश कर दर्पण बनाया जा सकता है। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और गोले के केंद्र के अंदर झुका हो तब ये अवतल दर्पण कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। साथ ही जिस दर्पण का पृष्ठ बाहर की ओर झुका हो तब वो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। चलिए एक और क्रियाकलाप से गोलीय दर्पण को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया। अब मैं आपको एक क्रियाकलाप करके दिखाऊंगा, जिसे करने के लिए मुझे एक अवतल दर्पण और एक कागज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मैं अवतल दर्पण को सूर्य की ओर इस तरह रखूं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश अवतल दर्पण पर गिरे और दर्पण से परावर्तित किरणें मेरे हाथ में लगे कागज पर। कागज को तब तक आगे और पीछे करते रहें जब तक कागज पर प्रकाश का तेज बिंदु प्राप्त ना हो जाए। कुछ समय तक कागज और दर्पण को इसी तरह रखने से कागज सुलगने लगेगा, कागज से धुआं निकलता नजर आएगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवतल दर्पण ने एक जगह केंद्रित किया, जिस बिंदु को विज्ञान की भाषा में अवतल दर्पण का मुख्य फोकस भी कहा जाता है। अवतल दर्पण के मामले में मुख्य फोकस दर्पण के सामने की ओर रहता है और उत्तल दर्पण के मामले में पीछे की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि गोले दर्पण एक गोले क्षेत्र का भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से दर्पण तक एक रेखा खींची जाए तो वे दर्पण के केंद्र, जिसे ध्रुव या पोल भी कहा जाता है, से होते हुए गुजरेगी।
इस रेखा को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस से पोल तक की दूरी को फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। और दर्पण की एक सर्कुलर आउटलाइन होती है जिसे हम द्वारक या अपर्चर भी कहते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फोकस की तरह ये सारे बिंदु अवतल दर्पण के आगे की ओर और उत्तल दर्पण के पीछे की ओर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने गोलीय दर्पण और उनके अनेक हिस्सों पर चर्चा कर ली है और साथ ही आपने अपनी किताबों में कुछ इस तरह के चित्र भी देखे होंगे जहाँ चित्रों द्वारा दर्पण और प्रकाश की किरणों से प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है। तो ये चित्र बनाने और समझने के लिए हमें 2+4 का नियम याद रखना होगा। इसमें दो किरणों की संख्या और चार केस हैं। कोई भी चित्र बनाने के लिए हमें प्रकाश की दो किरणों की आवश्यकता होती है जो कि चार केस में से मिल जाएगी। पहले केस में यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है तो परावर्तित होने के बाद वे अवतल दर्पण के फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के फोकस से डाइवर्ज या दूर होती नजर आएगी। दूसरे केस में यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के फोकस से गुजरेगी या उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती नजर आएगी तो वे परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी। तीसरे केस में यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी या उत्तल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती नजर आएगी तो वे परावर्तित होने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। चौथे केस में यदि प्रकाश की किरणें तिरछी दिशा में ध्रुव या पोल पर पड़ेगी तो वे तिरछी दिशा में ही मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को समझने के लिए एक उत्तल दर्पण और एक पेंसिल की आवश्यकता होगी। एक हाथ में दर्पण को इस तरह पकड़े और दूसरे हाथ में पेंसिल को दर्पण के सामने रखें। अब दर्पण में ध्यान से देखें। हमें एक छोटा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा और जैसे जैसे पेंसिल पोल के नजदीक जाती रहेगी प्रतिबिंब फोकस से पोल के करीब आता नजर आएगा लेकिन रहेगा हमेशा छोटा ही। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यदि रेखा चित्र की बात करें तो उत्तल दर्पण में दो ही केस बनते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट की स्थिति अनंत पर। यदि ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो तो रेखाएं प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चलेंगी और दर्पण पर गिरकर डाइवर्ज हो जाएंगी और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता प्रतीत होगा जिसका साइज बहुत छोटा होगा और प्रकृति में आभासी और सीधा होगा। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट की स्थिति अनंत और ध्रुव या पोल के बीच में होगी। इस केस में भी प्रकाश की रेखाएं परावर्तित होने के बाद डाइवर्ज तो होंगी लेकिन 2+4 के नियम से देखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता प्रतीत होगा। यहाँ भी प्रतिबिंब साइज में छोटा और प्रकृति में आभासी और सीधा रहेगा। छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के कारण उत्तल दर्पण गाड़ियों के रेयर व्यू दर्पण के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि परावर्तन क्या होता है और साथ ही गोलीय दर्पण किस प्रकार का परावर्तन करते हैं। साथ ही हमने उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन को देखा और सीखा। आने वाली वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन को जानेंगे।